Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to stop call recording announcement. जब Google Dialer में call recording start करते हैं, तब सामने वालों को एक notification भेज देता है कि ये call record किए जा रहा है. This call is now being recorded. इस video में हम आपको recording announcement बंद करना सिखाएंगे. पहले एक application install करना होगा, फिर उस application से record announcement bypass करके उस application को uninstall कर देंगे. ताकि आपका प्राइवेसी सेफ रहे. दोस्तों, हमें डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फोन सेटिंग्स में जाना होगा. सेटिंग्स ओपन करके यहाँ सर्च कीजिए स्पीच. अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सीधा टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में चले जाएंगे. या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे नीचे आइए. इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स, नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, इसके बाद विजन. विजन ऑप्शन के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे प्रेफर्ड इंजन बाय डिफॉल्ट स्पीच सर्विस बाय गूगल सेट रहेगा, तो इसे चेंज करके TTS LESS सिलेक्ट करना होगा. एक सिक्योरिटी नोटिफिकेशन शो करेगा कि ये एप्लीकेशन आपका पर्सनल डेटा, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस एप्लीकेशन के साथ कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होता है, इसलिए डेटा कलेक्ट करना तो दूर की बात है. वैसे तो अनाउंसमेंट बंद करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. दोस्तों, प्रेफर्ड इंजन सेट करने के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स, फोन डायलर का डेटा क्लियर करना पड़ेगा. यहाँ होम पेज पर गूगल डायलर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाना है. इसके बाद स्टोरेज यूसेज पर टैप करके फोन डायलर का सारा डेटा क्लियर कर दीजिए. दोस्तों, रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट का बैंड बज गया है. इसके बाद जब भी हम किसी को कॉल करेंगे तो ए केवल एक बार कॉल कनेक्ट होने से पहले नोटिफिकेशन भेजेगा कि दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड. दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड. कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड. फिर आप जितना बार चाहे बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और ए किसी को पता भी नहीं चलेगा. जब तक गूगल डायलर में इस बग फिक्स नहीं होते हैं, तब तक आप मजा ले सकते हो. दोस्तों, अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन तो बंद हो चुका है. अब स्पीच सेटिंग्स में जाके स्पीच सर्विस पर गूगल सेट कीजिए और प्ले स्टोर में जाके TTS LESS एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए. दोस्तों, जब तक आप गूगल फोन डायलर में सभी डेटा को दोबारा डिलीट नहीं करेंगे, तब तक अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन बंद रहेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था. तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.